अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ और एक और दिन के साथ। इस वीडियो को मैं वीडियो कहूँगा, व्लॉग नहीं कहूँगा। उसकी एक वजह है कि आज मुझे कुछ आप लोगों से बातें करनी है, कुछ दिखाना नहीं है, कुछ शो नहीं करवाना। तो जैसे कि आप सारे लोगों को बहुत सारा आइडिया भी होगा क्या आगे वो ब्लैक फ्राइडे और वाइट फ्राइडे और सेल और 11-11 पता नहीं क्या क्या कुछ आ रहा है। तो आज मुझे उसी लिहाज से और उसी मौजू पर भी थोड़ी सी बात करनी थी आप लोगों से। तो हमने कहा जी चले थोड़ी सी बात कर ली जाए इसके ऊपर भी कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो इसी के ऊपर आज हमने करनी है बात सारी। अच्छा, मेरा इस चीज़ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकूँगा। और मैं इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, बेसिकली इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं, एक है जी वेंडर, एक है जी बायर और एक है जी जो कंपनी है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बेसिकली। तो इसके अंदर इस वक्त हमारे पास कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो बहुत बेहतर काम कर रही हैं और बहुत वर्स्ट कंपनीज भी हैं जिनको मैं बहुत बुरी कंपनी कहूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर कोई वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता, मजबूरी है। तो वो कंपनीज भी काम कर रही हैं जो बेसिकली अपना तो फ़ायदा कर लेती हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एंड पर जो वेंडर है, जो सप्लायर है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाता है। तो हमें इस वक्त किसी को नुकसान में नहीं डालना, हमें अपने जो हमारे वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको जगाना है कि भाई इनके साथ काम करो और इनके साथ काम ना करो, ताकि आपको भी बच्चे देखें। मेरा तो ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है, पर आप लोगों को थोड़ा सा अवेकन करना। मैं एक अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जी मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जो आप लोगों के लिए भी अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो। अब ये सिलसिला है कि मैंने थोड़ी सी जो है उसके ऊपर वर्किंग की भी है। मैं तीनों एस्पेक्ट्स पे जो बात करूँगा तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि जी जो कंपनीज़ हैं, मतलब कंपनीज़ लाइक गोटू, दराज, ये वो, मतलब दे गाइज़ आर डूइंग फैबुलस वर्क। मतलब इनके साथ बिंदास आप काम कर सकते हैं, इनके साथ बहुत ज़बरदस्त बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ये लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, खूबसूरत काम कर रहे हैं। और अब तो एक UAE की वेबसाइट है souq.ae, वो भी पाकिस्तान में आ चुके हैं। और जो लॉजिस्टिक्स के हिसाब किताब हैं ब्लू वैक्स और दूसरी कंपनीज़, वो भी UAE और सऊदीया तक डिलीवरीज कर रही हैं। तो मेरे ख़्याल से बेहतरीन काम हो रहा है इस वक्त ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, जो कि बाइंग एंड सेलिंग्स हैं, इनकी पेमेंट शेड्यूल्स भी अच्छे हैं, वेंडर्स को पेमेंटों में रुलाते नहीं हैं, बहुत जल्दी उनको पे ऑफ कर देते हैं, उनको फारिग कर देते हैं। कोई उनको ये नहीं बोलता कि जी आज ले लो कल ले लो, सिर्फ चक्कर लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और कहानी आती है जो कि दूसरी कंपनीज है। मतलब इसके अंदर अगर चाहिए अभी हम सिर्फ कंपनीज की बात कर रहे हैं तो कुछ कंपनीज हैं जो कि दे आर लाइक वर्स्ट। इसके अंदर सबसे पहले, मतलब मैं नाम लेना यहाँ पर यूँ ज़रूरी समझूंगा कि जी मैं सिर्फ ये बोल दूँ कि फ़लानी फ़लानी, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, तो नाम लेना भी ज़रूरी है। मतलब उनमें सबसे पहले नाम आता है जी lootlo.pk का। मतलब अगर कभी आप ऑनलाइन काम करने खड़े हुए हैं और आपको कोई आदमी lootlo.pk से आता है तो आप उसको बोलें भाई मैं ये काम करता ही नहीं है, मुझे ये काम करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब उसके दो तीन सिनेरियोज़ हैं, शायद ये आपको थोड़े बहुत पैसे भी कमा के दे देंगे तो आपको पेमेंट में रुलाएंगे बहुत, पेमेंट आपकी तोड़ेंगे बहुत, और आपकी चीज़ों को, आपकी चीज़ आगे डिस्प्ले पर डाल देंगे और बोलेंगे नहीं यार ये तो आपका नहीं था, ये तो मिस्टर ए का माल था, आपका माल तो अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। चेकिंग ऐसे करेंगे कि जी आपको लगेगा कहीं आप किसी मल्टीनेशनल में आ गए हैं और काम आपको 2 रुपए का भी बिज़नेस नहीं जनरेट करके दे रहे होंगे, ठीक है, और आखिर में आपको आपका माल पकड़ा देंगे कुछ 2-4-5 हज़ार के चेक के साथ।
थोड़ा सा मैं इसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस भी बात कर रहा हूँ और थोड़े से इसके अंदर जो मैंने लोगों से सुना है उसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुने सुनाई है, मैंने को गूगल कर लिया, मेरी अपनी भी रिसर्च है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनिशिएटिव मेरा अपना पहले होता है फिर मैं किसी को कुछ बताता हूँ, तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरा 24hours.ph है, ये दो अदद वेबसाइट्स ऐसी हैं कि अगर आपका स्टार्टअप है तो मैं बोलूँगा इनके साथ बिल्कुल भी काम न कीजिए। हाँ, आपको थोड़ा टाइम हो चुका है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं बर्बाद करने के लिए, तो इनके साथ ज़रूर काम करें, पर फिर भी अगर ना करें तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है। मतलब इनकी बहुत बड़ी ब्रांडिंग है, इनके बहुत बड़े नाम हैं, पर नाम बड़े दर्शन छोटे वाला सिलसिला, तो इनके नामों पर मत जाइएगा और इनके कामों पर भी मत जाइएगा, क्योंकि ना ये काम के हैं और ना इनके कोई ऐसे कोई ख़ास किस्म के सिलसिले हैं कि जी ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हैं। बिज़नेस जनरेट कर दें, अगर किसी का कर दें तो कर दें, मतलब किसी को जो है ना दिखाने के लिए जी फलाने को हमने 1 लाख की पेमेंट कर दी, 1.5 लाख की पेमेंट कर दी, तो वो इस तरह के खुशनसीब एक दो ही होते हैं। और उनसे भी अगर आप जाके पूछेंगे तो उन्होंने 10 लाख का माल दिया हुआ होगा तो उनको 1 लाख की पेमेंट होगी। इसका बेहतर मशवरा अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जी आजकल है फेसबुक और ट्विटर का ज़माना, तो आप लोग यूँ कर सकते हैं कि फेसबुक जाएं, ठीक है, किसी बैंक से एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनवाएं, आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है पर कोशिश करें, और अपनी पेज बनाएं फेसबुक पे, उसके ऊपर बूस्टिंग करें और उसके थ्रू प्रोडक्ट्स बेचें। सबसे बेस्ट वे है वो, मतलब किसी के पास जाना नहीं, आना नहीं, डिलीवरी नहीं, चेकिंग नहीं, क्यूसी नहीं, कुछ नहीं, जान छूटी, आसान सिंपल, ठीक है। ये चीज़ मैं ब्लैक फ्राइडे से और ये जितने भी फ्राइडेज होते हैं वाइट ब्लैक ऑरेंज उनसे पहले यूँ बना रहा हूँ कि इस वक्त ये कंपनीज लोगों को ग्रैब कर रही हैं कि आओ जी हमें माल दो, हम बेचेंगे, हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे। तो जो बेहतर कंपनी है उनके साथ तो ज़रूर काम करें, पर जो बहुत फारिक किस्म की कंपनी है उनसे बहुत दूर रहें, जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें, जितना हो जितना कोशिश कर सकें उनसे दूर रहें, सही है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि मैं तो कहूँगा बेहद फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो वेंडर की कहानी, कंपनी की कहानी होगी। वेंडर की कहानी ये है कि वेंडर से जी इन्होंने लिया 10 लाख का माल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो पेमेंट करेंगे 1 लाख के माल की और फिर बोलेंगे 2 लाख का माल और ला दो, मतलब वेंडर को फंसाते चले जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे वेंडर इनको छोड़ भी नहीं पाएगा, इनको पता होगा जी ये कुछ कर नहीं सकता अब हमारे लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, थाने में जाके FIR कटवा देगा, या उससे भी क्या को फ़र्क पड़ना है। मैं अगर एक लास्ट रिपोर्ट बताऊं सिर्फ लूट लो की, तो इनके ऊपर तकरीबन 74-75 FIRs कटी हुई हैं इस वक्त राइट नाउ। मतलब अब तो इन्होंने नाम भी चेंज कर लिया, लूट लो की जगह गो लूट लो कर लिया। मैं अच्छा एक बात यहाँ पर बहुत क्लियर कर दूँ कि मैं को बड़ा सा नहीं निकालना, थोड़ा सा मुझे भी लॉस हुआ है इस काम में, मैं इस वजह से इससे थोड़ा सा दूर भी रहता हूँ, बट मैं कोई भड़ास नहीं निकाल रहा यहाँ पर। जिन लोगों ने करवाई हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया, मैंने जस्ट काम क्विट कर दिया। फिर आती है बारी, अल्लाह आपका भला फरमा दे, 24 hours वालों का भी कुछ सिलसिला ऐसा ही है कि जी QC होगा, माल आएगा, रिसीविंग देंगे, आपने माल दिया, आप लेट्स से 100 pieces आपको वापस होंगे, 80 pieces जी आपने यही दिया था, बिका 1 रुपये का माल भी नहीं है और आपके पीस कम हो गए, तो ये वेंडर के लॉसेस हैं। पेमेंट आपकी बन रही है लेट्स से 6,000 की, वो उसको बोलेंगे नहीं जी वो तो 3,000 की है, वो बाकी तो हमारे एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के, हमने बूस्टिंग की, ये की वो की, तो उसके एक्सपेंसेस, अब ये तो पहले बताना चाहिए, पर परफॉर्मा में ऐसा कुछ भी नहीं लिखते ये लोग, इसकी वजह ये है कि धोखाधड़ी कैसे होगी है जी। अब आ जाइए जी बायर के एस्पेक्ट, बायर के सिलसिले क्या हैं। बायर का मामला कुछ ऐसा है कि जी बायर को दिखाई जाएगी कि मैं जो है ना आपको नोकिया का ये बेहतरीन वाला फ़ोन दे रहा हूँ, मतलब ऑल दो बेहतरीन नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ, पर दूसरे एंड पे जब भेजा जाएगा, दिखाया जाएगा आईफोन एक्स, भेजा जाएगा नोकिया 1100, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही है जी। फिर ये किसी भी जगह हो सकता है, कपड़ों में, बर्तनों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी चीज़ में। और फिर कस्टमर के बारे में जी बायर के पास
एक रेट होता है, एक उसका पास ऑप्शन होता है कि जी मैं रिफ़ंड करवा लूँ या रिटर्न करवा लूँ। ऑफिस का आपको पता ही नहीं है, आप कहाँ से रिटर्न करवाएंगे, कहाँ से रिफ़ंड करवाएंगे, पहला मसला। चलें जी, आप बहुत शेर के बच्चे हैं, आपने इनका ऑफिस का एड्रेस भी निकाल लिया, ठीक है जी। तो ऑफिस का एड्रेस अगर आपने निकाल लिया, आप इनका ऑफिस पहुँच भी गए, तो फिर ये रिफ़ंड तो करने वाले आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनको आगे वेंडर को पेमेंट करनी है, अपने मसले मसाइल निकालने हैं। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कर देंगे और चीज़ चेंज एक्सचेंज कर देंगे। और अगर आप बड़े खुशनसीब हैं, इन्होंने वो आपको कर भी दिया, कम से कम भी 3-4 हफ्ते तो कहीं गए ही नहीं, वो भी आप इनके ऑफिस पहुंच गए। अगर आप इनके ऑफिस नहीं पहुंचे, आप इनके सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, तो आप कॉल ही करते रह जाएंगे। ये लोग के इलेक्ट्रिक से भी ज़्यादा वो हैं। अब आप लोग समझ जाएँ, समझदार लोग हैं, मैं इस बारे में ज़्यादा भी बात नहीं करना चाह रहा। तो जी मैं बस आप सारे लोगों को थोड़ा सा होशियार करना चाह रहा हूँ कि जी ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, ये कंपनीज अब ग्रैब करेंगी, कोई लूट लो, कोई लूट लो हो जाएगा, कोई अपना नाम चेंज कर लेगा, कोई तरीक़ेकार चेंज कर लेगा। तो बेटर ये है कि जी अब आपने देना ही है तो घर बैठे माल रखें, अपने पास रखें, अपनी इन्वेंट्री, अपने स्टॉक, फेसबुक पे पेज बनाएं, उसको खुद बूस्ट करें, बैंक से जाके कार्ड शार्ट बनाएं, फेसबुक को पेमेंट करें, फेसबुक सबसे बेहतरीन। ये लोग भी एंड पे ये कर रहे होते हैं, फेसबुक ट्विटर की बूस्टिंग कर रहे होते हैं, कोई एजेंसी पकड़ लें। और अगर चे के आप लोग चाहें तो हमारे एक दोस्त हैं, वो बहुत बेहतरीन एजेंसी चलाते हैं, जेटेक्स मार्केटिंग के नाम से डिजिटल एजेंसी है, उसका लिंक भी इधर डिस्क्रिप्शन में आएगा, तो आप लोग उनको भी पकड़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सिर्फ बूस्ट करेगा, वो माल भी नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और यही मीडियम मुझे दराज और ये वो गो टू का अच्छा लगता है कि ये लोग माल अपने पास नहीं रखते, आपके ही एंड पे रखते हैं, और आप ही उस माल को डिलीवर डिस्पैच करते हैं, पैसे भी आपको डायरेक्ट चेक लॉजिस्टिक कंपनी से मिलता है, ये अपना कमीशन काट लेते हैं, अलग से ले लेते हैं, वो एक अलग कहानी है। एक बहुत अच्छी वेबसाइट होती थी एक टाइम पे, kemu.pk, मेरे टाइम पे जब मैंने स्टार्टअप लिया था, अब वो बंद हो गई है, वरना वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी, पर अब ख़त्म हो गई तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे एंड। अजान और नमाज़ का भी टाइम हो रहा है जी, आप में से जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो ज़रूर नमाज़ को कायम करें, नमाज़ पढ़ें, बहुत अच्छी चीज़ है। और अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त इस वीडियो के साथ, ठीक है जी। और अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कोई बात हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब तो कर दें, ठीक है जी। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।